तो ये वाला हमारा खत्म हो गया था, हम लोग कर रहे थे अपना लॉ ऑफ डिमांड, है ना, चालू करें। अब ये स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन किया था बेटा, क्या हमने इसकी ग्राफिकल पार्ट और इसके स्केड्यूलिंग वाले पार्ट को सीखा था। रिमेंबर, इन शॉर्ट कहने का मतलब डिमांड और डिमांड स्केड्यूल डिमांड कर्व, यहां तक हम पढ़ चुके थे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट, और अगला पार्ट हमारा कौन सा, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल, जो कंसेप्ट किसने दिया, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया। थोड़ा बात करते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में एक सेकेंड। तो कोई क्वेश्चन नंबर वन क्या बनता है, नॉर्मली अगर मान लो एमसी के क्वेश्चन पूछने वाला हुआ हो तो क्या पूछेगा, ये पूछ सकता है कि भैया लॉ ऑफ डिमांड कंसेप्ट दिया किसने। और याद करो इनकी कहानी तो बेटा हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कौन था अल्फ्रेड मार्शल, किस तरह इन दोनों इन सब ने एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हुए आए हैं। रिमेंबर बात की थी ना हम लोगों ने, रॉबिन्स की कहानी पढ़ी हमने, उसके बाद में अपने जे आर हिक्स की बातें की, बातें की रॉबिन्स के बारे में। तो ऐसे ही हमारे पास एक स्टोरी चलती आई और उसके अकॉर्डिंग हमारे प्यारे अल्फ्रेड मार्शल, निकालू कौन थे दिखाता हूँ तुम्हें मैं, ताकि हमारा एक कनेक्शन बिल्टअप हो उन अल्फ्रेड मार्शल जी के साथ में। हे अल्फ्रेड मार्शल जी आओ हमें दर्शन दो, आओ हमें दर्शन दो, दर्शन दोगे तभी तो तुम्हारी बात समझेंगे, तुम कहना क्या, तुम्हारा फेस से हम कनेक्ट करेंगे। तो भैया बात कर लेते हैं, ये है बेटे अल्फ्रेड मार्शल, पिक्चर थोड़ी वैसी है, थोड़ी और निकाल लेते हैं। अरे 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 क्या खुल जाता है, तो हमारे अल्फ्रेड मार्शल खुद पूछ रहा है, हुआ माय योर अल्फ्रेड मार्शल, बच्चा बच्चे को बता। तो अल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग थ्योरी क्या कहती है, बात करते हैं थोड़ी सी, ठीक है। पहली बात, लॉ ऑफ डिमांड का कंसेप्ट दिया अल्फ्रेड मार्शल ने, और हमने एक बात सीखी कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, फैक्टर हमने पढ़ने बाकी है, पढ़ेंगे इसके अंदर हमारे पास में, डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर। पहले बताओ डिमांड क्लैरिटी है, डिमांड किसको बोलते हैं भाई, डिमांड किसकी, किसी कमोडिटी की। कमोडिटी का मतलब क्या होता है, कोई गुड्स या सर्विस, इकोनॉमिक्स में कमोडिटी का मतलब क्या होता है, कोई गुड्स या कोई सर्विस। तो पॉइंट इज किसी भी कमोडिटी की डिमांड क्या होती है, या मतलब उसको डिसाइड करने वाले फैक्टर कौन से हैं। तो एज पर अल्फ्रेड मार्शल उनका कहना था सबसे पहला फैक्टर है प्राइस, कि आज कंज्यूमर किसी शॉप पे जाता है जाके पूछता है ना, क्या पूछता है, भैया कितने का दिया, फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, भैया ये कितने का लगाया, कितने का दिया, कितने का लगाया, मैं आया तो नहीं लूंगा, सस्ता तो ले लूंगा। रिमेंबर तो फर्स्ट पार्ट इज आपकी इनकम पार्ट, आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, वो बाकी सारे अदर फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर भी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। लेकिन एज पर अल्फ्रेड मार्शल का कहना क्या था, सर अगर कमोडिटी की बात कर रहे हो तो उसमें प्राइस सबसे ज्यादा मेजर प्राइम फैक्टर बनता है। उसी के ऊपर उन्होंने अपनी थ्योरी दी, उस थ्योरी का नाम पड़ा लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, द रूल ऑफ डिमांड बोल सकते हो उसको आप। तो आओ पढ़ते हैं, लिखते हैं इसके बारे में, तो क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड, लिखते हैं। देखो लॉ ऑफ डिमांड लिखना चालू, स्टेट्स दैट क्या बोलता है, देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप, देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, बिटवीन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड, लिखते रहो समझाऊंगा अभी पार्टी, डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी, कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है। नेगेटिव का वर्ड होता है इनवर्स, इनवर्स बोल सकते हो, नेगेटिव बोल सकते हो, कि नेगेटिव रिलेशन होता है। इतना ही काफी नहीं था अपनी बात को प्रूव करने के, उन्होंने ये भी लिख दिया, लिखा क्या लिखा, व्हेन अदर थिंग्स, इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ा मजेदार चीज क्या होती है पता है, आपको शब्दों पे कमांड होना चाहिए, वर्ड्स पे कमांड आपकी अच्छी होनी चाहिए, वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए, रीजन नहीं, लॉजिक नहीं, तो इकोनॉमिक्स आया ही नहीं भाई मेरा, क्या बोला, व्हेन अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, बीइंग कांस्टेंट, और इसी को इस कंप्लीट लाइन को लिखा जाता है सिट्रस पेरिबस, क्या बोलते हैं, सिट्रस पेरिबस, सिट्रस पेरिबस, सिट्रस पेरिबस, क्या बोलते हैं, सिट्रस पेरिबस बोलते हैं। तो कहने का मीनिंग क्या निकल गया, लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है, एज पर अल्फ्रेड मार्शल उनका मानना था कि प्राइस ही सबसे प्राइम फैक्टर है, उन्होंने उसी फैक्टर को पिक कर लिया और बोले प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। हमने बोला ओके, आपने कहा मान लिया,
लेकिन क्या जो उन्होंने अजम्पशन दी कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, दैट मींस यहां अदर थिंग्स का मतलब होता है अदर फैक्टर्स, क्या होता है बेटा यहां पे, इट मींस अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, डिमांड को अफेक्ट करने वाले बाकी सारे फैक्टर, बीइंग कांस्टेंट का मतलब देयर इज नो चेंज, उनका कहना था कि उनमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये कहा क्यों ऐसा है उन्होंने, इस पॉइंट को ऐसे समझते हो, उनका मानना था कि भैया प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन आप तभी बता सकते हो जब मेरी थ्योरी अप्लाई कब होगी, मेरी थ्योरी अप्लाई कब होगी जब आप बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट मान रहे हो। वर्ड एक शब्द बना कि बाकी फैक्टर कांस्टेंट मान लो, इनकम ऑफ कंज्यूमर पढ़ने वाले, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कौन सी होती है, रिमेंबर नंबर ऑफ कंज्यूमर कितने हैं, रिमेंबर गवर्नमेंट की पॉलिसीज कौन सी है, क्रेडिट फैसिलिटीज कौन सी है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो डिमांड को तो अफेक्ट करने बहुत फैक्टर बहुत सारे होते हैं, तो बोला सिर्फ प्राइस को छोड़ दो बाकी सारे फैक्टर कॉन्स्टेंट मान लो तभी मेरी लॉ ऑफ डिमांड की थ्योरी अप्लाई होती है। ओके, बी प्रैक्टिकल इन दिस, जिस दिन आपने अदर फैक्टर को कॉन्स्टेंट नहीं माना, उनमें चेंजेस की बात की, तो ये थ्योरी अप्लाई होगी ही नहीं बेटा, होगी ही नहीं। ओके, आज सिंपल सी बात मुझे बताओ ना, आज मेरे पास अंधा पैसा है, मतलब अंधा पैसा मतलब मैं कुछ भी खरीद सकता हूं, तो क्या प्राइस मुझे अफेक्ट करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब अगर मैंने इनकम को कांस्टेंट नहीं माना तो मेरा ये लो क्या हो जाएगा, लो अप्लाई नहीं होगा। आज टेस्ट एंड प्रेफरेंस, लोग बोलते हैं भैया खरीदना है तो खरीदना है, अपुन का टेस्ट है, अपुन को यही मांगता है कितने का ही पड़े, तो बताओ मेरा अगर टेस्ट उस चीज को लेकर रिजिड हो गया, मुझे यही लेना है, मुझे यही खाना है, तो कितने का भी हो फिर वो, रिमेंबर। तो कहने का मतलब अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इनकम ऑफ कंज्यूमर, अगर ये चीजें कांस्टेंट नहीं हुई तो ये थ्योरी भी अप्लाई नहीं होगी। पहली बात क्लियर हो गई, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। तो मीनिंग क्या बना, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, मैंने भाई कह रहा सर देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, कि सर प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, तो नेगेटिव कैसे अप्लाई करते हैं बेटे, अब बात सुनना ध्यान से, इसी बात को मैं बोल सकता हूं प्राइस इफेक्ट, क्या बोल सकता हूं इसको मैं, कुछ प्लेसेस पर क्या लिखा मिलता है इसमें, प्राइस इफेक्ट बोलते हैं इसको। जब भी आप एग्जांपल प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट ऐसा लिखा मिले, इसका मीनिंग क्या होता है पता है, सुनो ध्यान से, जो वर्ड आगे लिखा होता है ना प्राइस इनकम, उसका इफेक्ट बोल रहा होता है वो। तो हमेशा जब भी अप्लाई भी करो ना, हमें क्लिक भी ना करे, प्राइस इफेक्ट पूछा तो अप्लाई कर लो कि भाई प्राइस इफेक्ट मतलब प्राइस में चेंज आया तो उसका इंपैक्ट डिमांड पे क्या पड़ेगा। प्राइस में चेंज मतलब चेंज क्या होता है इकोनॉमिक्स में, चेंज ऑलवेज मींस या तो इंक्रीज या फिर डिक्रीज, या तो इंक्रीज या फिर डिक्रीज। तो प्राइस में चेंज आया तो उसकी डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा, डिमांड बढ़ेगी या गिरेगी, डिमांड गिरेगी या बढ़ेगी। तो दैट इफेक्ट ऑन डिमांड, दैट इफेक्ट ऑन सप्लाई, ऑल फैक्टर हो सकता है हमारे पास में, बट मेनली हम कौन से पढ़ने वाले, डिमांड सप्लाई पढ़ने वाले। तो मुद्दा क्या निकल के आया कि सर प्राइस का इफेक्ट डिमांड पर क्या पड़ा, तो वो जो कहलाता है उसे बोलता है प्राइस इफेक्ट। तो आप प्लीज चेक मी, गाना आएगा यहां पे, इधर चला मैं उधर चला, मतलब प्राइस कह रहा है मैं बढ़ूंगा तो डिमांड क्या करिए, मैं गिरूंगी, मतलब इनका नाता ब्रेकअप हो गया बेटा, बोला मैं बढ़ूंगा तो ये गिरेगा, इसका मतलब क्या समझ में आया। अप्लाई करते हैं, क्या हम इसको ऐसे याद रख लें याद रहेगा, नो। क्या मैं गुड्स के नाम याद रख लूं, आंसर इज नो, कैसे याद रहेगा। नेगेटिव रिलेशन के बारे में बोला किसने, अल्फ्रेड मार्शल ने, उनके नेगेटिव रिलेशन की थ्योरी को डिफाइन करने के लिए कौन सी गुड्स अप्लाई होती हैं, नाम है बेटा नॉर्मल गुड्स। कौन सी गुड्स हैं, नॉर्मल गुड्स, मतलब ये जो रिलेशन है, अब बड़े बोलो नॉर्मल गुड्स कौन सी होती हैं, नॉर्मल गुड्स कौन सी होती हैं। सर कहने का मतलब दोबारा रिकॉल करो, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, स्टेट्स दैट देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। और जब तक याद करो बताया था, जब तक प्राइस के आगे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, प्राइस के आगे लिखा हुआ नहीं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड नहीं लिखा हुआ, कुछ लिखा हुआ नहीं है, क्रॉस गुड्स के बारे में बात नहीं कर रखी, प्राइस ऑलवेज मींस क्या कहते हैं, प्राइस ऑलवेज मींस प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी। अल्फ्रेड मार्शल ने जहां यहां जिस प्राइस की बात की, वो प्राइस कौन सा बेटा, प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी। अगर मैं बोलूं इस पेंसिल की डिमांड कितनी, तो सर इस पेंसिल के प्राइस की बात, इस माउस की डिमांड कितनी, तो इस माउस की डिमांड की बात, इस बुक के प्राइस कितने, इस बुक की डिमांड, इसकी बात कर रहे हो, प्राइस की बात कर रहे हो। तो जब तक प्राइस की बात ना बोली जाए और डिमांड की बात कर रहे हो, सर ये इसकी लैपटॉप की डिमांड कितनी होगी, इस कैमरे की डिमांड कितनी होगी, इसकी प्राइस कौन सी लेके चलोगे, इन्हीं के प्राइस। तो इन्हीं का मतलब प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, क्लियर है। तो अल्फ्रेड मार्शल ने भी जिस प्राइस और डिमांड की बात की, वो किसकी बात की है, ऑफ दी ऑन कमोडिटी। यहां अगर नहीं भी लिखा तो अंडरस्टूड क्या है, यहां वर्ड क्या है,
ऑन कमोडिटी, याद रहेगा वर्ड। इसलिए बता रहा हूं ताकि जब मूवमेंट शिफ्टिंग का टॉपिक आएगा तो हमारे माइंड में क्लैरिटी रहे कि वहां जब मूवमेंट होती है वहां जो प्राइस लिखा जाता है वो प्राइस कौन सा था, प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी होता है वो, कोई और प्राइस नहीं होता। क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। तो मुद्दा आया, अब बताओ मुझे, तो ये अल्फ्रेड मार्शल कहना था, पहला पॉइंट तो ये बन गया, किसने बोला, क्या बोला, नेगेटिव रिलेशन। लेकिन क्या हमेशा प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन ही होता है हर गुड्स में? ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता। तो इसी प्राइस इफेक्ट के बेसिस के ऊपर गुड्स को डिवाइड किया गया। लेट हैव अ लुक ऑन दिस पार्ट, क्या था क्लियर, बेटा डाउट है इसमें बताओ मुझे, चलो आगे। तो इसी प्राइस एंड मतलब ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ गुड, हेडिंग लिखो टाइप्स ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस इफेक्ट। आपसे पूछ भी सकता है बेटा ये एग्जाम में कि बताओ बेटा नॉर्मल गुड्स कौन सी होती हैं और गिफ्टन गुड्स कौन सी होती हैं, पूछते हैं ना, नॉर्मल कौन सी गिफ्टन गुड्स सी। तो प्राइस इफेक्ट के बेसिस पर गुड्स को डिवाइड किया जाता है। अब समझ में आएगा नॉर्मल गुड्स एग्जाम्पल, ये समझ में आएगा। आई कैन आस्क दिस क्वेश्चन कि अल्फ्रेड मार्शल ने अपना लॉ ऑफ डिमांड किन गुड्स को लिए दिए, के लिए दिया, कौन सा निकल गया, अच्छा ये नॉर्मल थी या गिफ्टन थी, ऐसे याद नहीं करेंगे, समझ के करते हैं ठीक है। चलो मैं कुछ आइटम के नाम निकाल रहा हूँ। घर में हमारे पास में मैक्सिमम जो राशन रखा होता है वो बेस्ट एग्जाम्पल है, और बहुत सारे बच्चों की गलती सुन लो, गलती है करते हैं वो गुड्स के नाम याद रखकर उन्हें नॉर्मल गुड्स या गिफ्टन गुड्स के नाम देते हैं। कभी मत करना है ऐसा काम, अगर गुड्स के नाम देखकर याद करना स्टार्ट किया तो मेरा लाल क्या होगा पता है, वहां पर क्या होगा, आपने जहां ऐसा काम किया आपका कंसेप्ट बिगड़ेगा। इट इज नॉट मैंडेटरी कि जो गुड्स मेरे लिए नॉर्मल है वो बाकी के लिए भी नॉर्मल हो, पॉसिबली किसी के लिए लग्जरी आइटम हो वो और पॉसिबली किसी के लिए गिफ्टन आइटम हो वो, रिमेंबर। तो गुड्स को उनके नाम से याद रखा तो कभी भी गुड्स का मीनिंग नहीं मिलने वाला, हमेशा हमें उनके इफेक्ट से याद रखना। इफेक्ट से आप किसी भी गुड्स को पहचान सकते हो कि आपके लिए गुड्स नॉर्मल कौन सी, लग्जरी कौन सी और या गिफ्टन कौन सी। चले एक बार एग्जांपल निकालता हूं, मैं कहता हूं घर का राशन, तो बेटा निकाल लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, हैव अ लुक ऑन दिस पार्ट, सामान दिख रहा है और निकाल लेता हूं थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, ये रहा विजिबल है, कलर आ रहा है, थोड़ा और ओपन कर लेते हैं बेटा, मुझे पल्सेस दिख रही है, पल्सेस निकाल लूं, ये दिख रहे हैं, ये विजिबल है ठीक है, और बात कर लेता हूं, केजरीवाल तू भी आ जा भाई, आ गया। चलो माई क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन पूछने वाला बेटा, एक बेसिक सा क्वेश्चन हटा दूंगा पिक्चर्स को मैं, टेल मी अगर मुझे जानना है कि कौन सी गुड्स मेरे लिए नॉर्मल, कौन सी गुड्स मेरे लिए गिफ्टन है, कि गुड्स को मेनली, गुड्स की कैटेगरी बाकी भी है, लग्जरी आइटम्स हैं, नेसेसरी आइटम्स हैं, बट मेनली गुड्स को हम पहले दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट कौन सा है, प्राइस इफेक्ट के बेस पर गुड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया मैंने, फर्स्ट इज नॉर्मल गुड्स एंड सेकेंड इज गिफ्टन गुड्स। एक्चुअली गिफ्टन ना, गिफ्टन एक सर गिफ्टन का नाम है, इस पर्सन ने जिस इकोनॉमिस्ट ने कंसेप्ट दिया उसके सर नेम क्या था, गिफ्टन, तो नाम क्या पड़ गया, गिफ्टन गुड्स ठीक है। गिफ्टन गुड्स इन्हीं का पार्ट होता है कौन सा, इन्फीरियर, तो लेकिन हमने तो अलग से पढ़ा इस पार्ट को है ना बेटा, इन्फीरियर गिफ्टन का ही पार्ट है प्रैक्टिकली अगर देखे तो ठीक है। आओ एक बात मैं दिखाता हूँ, ये जो सारा आइटम है क्या तुम इन आइटम्स को देख के बोल सकते हो नॉर्मल है या गिफ्टन है, नहीं बोल सकते, यू कैन नॉट डिफाइन। किसी शॉप पे गए भैया काम करना, राइस देना, राइस बोला हाँ भैया कौन सा चाहिए बताओ, 100 रुपए किलो वाला भी है, 100 रुपीज केजी वाला भी है, हमारे पास में तो 50 रुपए किलो वाला भी है और 15 रुपए किलो वाला भी, कौन सा मांगता आपको, बोले क्या बात कर रहा वैरायटीज है, बोला हाँ तो बताओ कौन सा तुम्हारी नॉर्मल कौन सा गिफ्टन, डिफ्रेंशिएट कर पाओगे तो नॉर्मली हम रेट से निकाल लेंगे, क्या उससे नीचे क्वालिटी हुई तो नहीं पता कर पाएंगे। तो कहने का मतलब इसीलिए आपके इफेक्ट्स को अप्लाई किया जाता है ताकि आप बता सको मेरे भाई कि गुड्स कौन सी वाली है, तो आओ उसी को पढ़ लेते हैं। तो मैंने लिखा ऊपर गिफ्टन के स्लैश में लिखा इंफीरियर, एक्चुअली गिफ्टन और इंफीरियर ये चीप क्वालिटी गुड्स को बोलते हैं और इंफीरियर उसी पार्ट का सबसे लोएस्ट पार्ट है। एग्जाम्पल फुल क्रीम मिल्क, टोन मिल्क और डबल टोन मिल्क आते हैं, तो फुल क्रीम हम तो जी फुल क्रीम नॉर्मल मिल्क आता ले आते हैं नॉर्मल गुड्स, टोंड गिफ्टन गुड्स उसका भी एक सब पार्ट बना दिया डबल टोंड,
उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंफीरियर गुड्स। समझ में आया, तीन वैरायटीज। ये तीन वैरायटी किसके बाद बन गए हमारे पास में, नॉर्मल, गिफन, इंफीरियर। बट इनको हम ऐसे याद नहीं रखेंगे, हमें तो क्या नाम रखना है अपने पास में, हमें याद रखने इनके प्राइस इफेक्ट से और इनके इनकम इफेक्ट से। तो क्या बोला, एज पर द लॉ, एज पर द लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं प्राइस इफेक्ट के बेस के ऊपर। तो पहला पार्ट क्या निकल के आया था, लिखते हैं बेटा इसको, नोट करते हैं। चलो आओ भैया, तो आज के बाद पहला काम, आज घर में बैठा सारा सामान बिखेर के बैठ जाना। नहीं नहीं ऐसे मत करना, मम्मी मुझे बोलेगी नहीं तो, क्या टीचर क्या सिखाता रहता है ना। घर में राशन है ना अपने पास में, आज घर जाके चलो चेक जरूर करना अपने पास में कि सर कौन सा आइटम तुम्हारे लिए नॉर्मल है और कौन सा तुम्हारे लिए गिफन है। क्या हर एक आइटम तुम्हारे नॉर्मल है, चेक करना, आंसर मिलेगा नो। तो चेक करते हैं, लिखते हैं पहले, आओ। तो पहला आइटम लिखो, प्राइस इफेक्ट के बेस पर नॉर्मल गुड्स किसे कहते हैं, एंड दूसरा गिफन या इंफीरियर गुड्स किसे कहते हैं। जनरली गिफन या इंफीरियर गुड्स नॉर्मल, एक नॉर्मल मीनिंग क्या होता है कि दोज आइटम विच आर फॉर द सर्वाइवल पर्पस, फॉर सब्सिस्टेंस, जीवन निर्वाह करने के लिए, सर्वाइवल पर्पस के लिए, भाई भूखे नहीं मरना चाहते इसलिए यूज करना है, खासकर फूड, क्लॉथ, शेल्टर। यू कैन नॉट बी टर्म्ड एज कि मेरी गाड़ी बहुत पुरानी गाड़ी हो गई, गिफन है क्या, कार इज नॉट ए गिफन आइटम। थ्री आइटम सर्वाइवल नीड्स कौन सी, फूड, क्लॉथ, शेल्टर, रोटी, कपड़ा, मकान बोलते हो ना। तो भैया उसी फूड, क्लॉथ, शेल्टर को जब कैटेगराइज करते हो तो उसमें आता है भैया कि मेरे पास में क्वालिटी नहीं है, ब्रांड नहीं दिख रहा, बस खाने को कुछ मिल जाए, भूखा ना मरूं। सोचो ना, थिंक अबाउट वंस, मैं दिखाता हूं तुमको, जो रिक्शे वाले होते हैं, दिल्ली में बात करता हूं, दिल्ली में रिक्शे वाले हैं बहुत सारे हैं सर। अब होता क्या, समझना ध्यान से, एक सेकेंड, लेट मी शो यू। बेटा रात को देखा तुमने कहां सोते हैं वो लोग, देखा किसी ने, देखा मैंने देखा है, वो उसी रिक्शा पे सोते हैं जिसको दिन भर चलाते हैं, वो उसी रिक्शा पर रात को सो जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं उसी रिक्शा पे रात को जाके सो जाते हैं। खाने के लिए वो कोई लग्जरी आइटम सर्च नहीं करते हैं क्योंकि वो इतना कमाते ही नहीं है। और नॉर्मली तो बता देता हूँ, जितने भी रिक्शा वाले हैं मैक्सिमम क्या करते हैं पता तुमको, जानते हो, ये किराए पर रिक्शा लेते हैं, इनका खुद का रिक्शा भी नहीं होता, ये रिक्शा किराए पे लेते हैं, पर डेली बेसिस के ऊपर रिक्शे की पेमेंट देते हैं। आपने देखा कुछ रिक्शा में क्या चलते हैं, इलेक्ट्रिक रिक्शा चलते हैं, है ना, ई रिक्शा की बात नहीं कर रहा, रिक्शाज, नॉर्मल रिक्शा, ऐसे रिक्शा में बैटरी लगी होती है, उनका फेयर होता है कि उनका फेयर 150 रुपये, इनका फेयर 50 रुपये दिन का। तो सोचते हैं भैया हमारा कस्टमर मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या करें, कोई बात नहीं, काम करते हैं हम, 50 रुपये दे के रिक्शा ले लेते हैं, चलाना ही पड़ेगा ना। अब पूरे दिन लोगों को खींचते रहते हैं, रात को रिक्शे में सो जाते हैं, हमें नॉर्मल बेड पे नींद नहीं आती, रिक्शे पे सोते हैं टेढ़ा मेढ़ा होके। खाने में क्या ढूंढते हैं, लग्जरी आइटम्स, कि वाओ आज डोमिनोज का पिज्जा खा लेते हैं, इज इट सो, नेवर एवर, लोकल आइटम मिल जाए कहीं से, कुछ भी सस्ता मिल जाए खा लेंगे। क्या ढूंढते हैं, चीपेस्ट आइटम ढूंढते हैं, रीजन इज इनकम नहीं है, रीजन इज इनकम नहीं है उतनी। अब पॉइंट समझना क्या कह रहा हूं मैं, तो ये रिक्शे वाले हैं, ये तुम्हें क्या लगता है, एग्जांपल, ऐसा नहीं बोल रहा मैं रिक्शे वालों के लिए बोल रहा हूं, ऑटो रिक्शा वाले की बात नहीं कर रहा, वो तो अमीर है भाई साहब, दिल्ली में जाके देखना, वी थिंक लाइक दैट ना कि ऑटो रिक्शा वाले, अच्छा ऑटो चलाता है बेचारा, अरे नहीं भाई साहब, वो लखपति करोड़पति बंदा है, इतने पैसे कमाता है वो, उसका लेवल ही अलग है। सोचो CNG चलती है, CNG जितने की CNG, वो 100 रुपये की CNG लगाएगा और तुमसे कम से कम 1000 रुपये कमा लेगा वो उसी CNG के अंदर। भाई यहाँ छोड़ना है 100 रुपये लगेंगे मैडम, बैठ जाओ, बैठना है, हाँ बैठो बैठो, चलो भाई यहाँ जाना है, इतने रुपये लगेंगे मैडम, CNG लेने लग रही है उसकी इतनी, लखपति करोड़पति बंदे हैं वो लोग। बट ये इनकी हालत अब भी ऐसी है, नहीं है भैया वैसा, आ गए बाहर निकल के कमाना है, कोई काम नहीं मिलने वाला, कोई बात नहीं रिक्शा चला लेंगे जाके, पैसे आएंगे तो आपको रिक्शा किराया दे देंगे रिक्शे वाले को। नॉर्मली अगर पंचर भी हो गया ना इनका टायर, तो उसके लिए भी इन्हें अपनी पॉकेट से निकालना पड़ेगा पैसा, पूरा हिसाब खत्म जितना कमाया। तो मैं पॉइंट सुनना ध्यान से, इसलिए बोलता हूं मैं एक एडवाइस देता हूं, कभी भी किसी से भी नेगोशिएट करना, इनसे नेगोशिएट मत करना, मनी मैटर्स में इनसे नेगोशिएट मत करना, ऑटो वाले से कर लो कोई दिक्कत नहीं, वहां का बनता है करना, ठीक है, इनसे मत करना क्योंकि इनकी पूरी इनकम तुम पे डिपेंडेंट है। अब बात सुनना, तो बताओ ये रिक्शे वाले ऑप्शन है क्या कि भाई खाना बढ़िया, कपड़े बहुत बढ़िया पहनूंगा, अच्छा देखना इसने कोई ब्रांडेड कपड़े पहन रखे, ब्रांडेड कपड़े पहन रखे, नहीं सर, सबसे सिंपल जो मिल जाए दैट्स इट, वो धुलने का भी टेंशन नहीं है, धुलेगा बाद में धुल देंगे, दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब क्या निकल के आएगा, इस समझना ध्यान से, ये जो बेस यहां पे निकल के आ रहा है क्या, ये कौन सी आइटम यूज कर रहे हैं,
चाहे वो खाने की हो, फूड क्लॉथ पहनने की हो, या शेल्टर या रहने की हो। रहने में क्या ऑप्शन चूज किया उन्होंने? आज रहने के लिए इंसान के पास खुले में क्या, सबसे सस्ता क्या है, चीप क्या है, खुला आसमां। आज के दिन में रहने के लिए सबसे सस्ता क्या, खुला आसमां। वहीं सो जाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जगह मिल गई फुटपाथ पे वहीं लेट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वही तो है चीप। उससे नीचे क्या हो सकता है? गड्ढा खोद के सोने वाले, वहां गड्ढा खोदते हैं वहां सोएंगे, इज इट नैरो। तो पॉइंट इज, जो मैंने नाम तुम्हें बोली, क्या ये सारे के सारे आइटम्स चीप क्वालिटी गुड्स नहीं है क्या? चीप क्वालिटी गुड्स है, जो फूड की बात हो, क्लोथ की बात हो, शेल्टर की बात हो, रिमेंबर। तो इन्हीं आइटम को बोलते हैं गिफन या इंफीरियर आइटम। क्या बोलते हैं? गिफन या इंफीरियर गुड्स बोलते हैं। कि भैया अब प्रैक्टिकल समझते हैं, आते हैं। तो हमें तो ऐसे याद रखना नहीं है कि हम आइटम याद रखेंगे। अब एग्जांपल, किसी ने बोला भैया मेरे को ना खाना खाने का मन कर रहा है, प्लेट थाली, तो आज एक काम करते, थाली खाने का मन कर रहा है, तो थाली तो हल्दीराम की मिलती है, बीकानेर की भी मिलती है, ये किसकी मंगवाएगा? बीकानेर की, हल्दीराम की वाली नहीं ना, किसकी, जो सबसे सस्ती मिल जाए भाई, सब मिल जाए, और जहां लिखा मिल जाए इतने रुपए में अनलिमिटेड खाना, और भी खुश है, समझ रहे क्या बोल रहा हूं। तो कहने का मतलब, पॉइंट क्या निकल के आया, सर इनको चाहिए चीप क्वालिटी प्रोडक्ट जो पेट भर दे, कपड़े ऐसे जो सिर्फ बॉडी को ढकने में काम आ जाए, दैट्स इट, इज नॉट रिक्वायरमेंट। क्या चाहते नहीं एक्स्ट्रा भरना, हमें अच्छा मिल जाए, चाहते तो है, इनकम नहीं है इसलिए कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो पॉइंट कहने का मतलब क्या निकल गया बेटा, अब समझते हैं। अब आप समझना कि नॉर्मल गुड्स कौन सी और चीप गुड्स कौन सी, चीप मतलब गिफन या इन्फीरियर गुड्स कौन सी। नाम देख लीजिए, इन्फीरियर, पता ना तेरे को इन्फीरियर फील करवाने वाला हूं मैं, है ना, आई एम सुप्रीम, यू आर इन्फीरियर, आई एम सुपीरियर, इन्फीरियर बोलते हैं हम लोग, कहते हैं ना, वाई आर दे सुपीरियर। आज किसी पर्सन को आप कैसे पहचानते हो? आज लोग बोलते हैं मार्क जकरबर्ग, ना मार्क जकरबर्ग एक ही कपड़े पहनता है ना, बेचारे के पास कपड़े ही नहीं है ना, बोला है ना गरीब आदमी, ऐसा इज इट सो। उसकी एक सिंगल टी शर्ट, उसने सारा कलेक्शन वही है उसके पास, सेम टू सेम, कलर चूज ना करना पड़े इसलिए एक आइटम, एक सिंगल सिंगल टी शर्ट के प्राइस है 50,000-70,000 रुपीज, समझ रहे हो, उस ब्रांड के कपड़े पहन रहे तो कोई नहीं पहन रहा। तो आज किसी पर्सन का, आपने नॉर्मल एक वर्ड सुना होगा इकोनॉमिक्स में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, द लिविंग स्टैंडर्ड, हाउ यू आर गोइंग टू मेजर समवन लिविंग स्टैंडर्ड, कैसे मेजरमेंट करते हो, दैट व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज दैट पर्सन इज हैविंग, वेयरिंग, ईटिंग, वो क्या कर रहा है भाई, वो किन गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, दैट विल डिसाइड कि उसका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, समझ रहे क्या बोल रहा हूं। नॉर्मली अगर आप किसी पर्सन को सिर्फ उसकी ड्रेसिंग से समझते हो, ड्रेसिंग देख लिया और बोलो अच्छा, अगर एक भिखारी को मैं जैगुआर से निकालूं, ओ वाओ कितना पैसे वाला है, और एक बिलियनेयर को क्या निकालूं, वैगनार से निकालूं, फटे पुराने कपड़े पहन, क्या बोलोगे, बिलियनेयर वो नहीं। आज हम किसी भी पर्सन का लिविंग स्टैंडर्ड पता लगाते हैं उसके स्पेंड किए हुए आइटम्स के ऊपर, वो किन चीजों पर खर्च कर रहा है। वो आप क्यों पढ़ रहे हो? Because you want to improve your living standard, and one day it will improve, you know very well. ऐसा नहीं कि in the student living, student life हम तो ऐसे रहने वाले आगे तक, नहीं भाई साहब, हम और बढ़ने वाले हैं, आज हमारा जो level है उससे आगे जाने वाले हैं, वो तो understood है। Okay, अब बात करता हूँ। तो मुझे बताओ, if I want to differentiate between these two goods, the normal goods and the given goods, how can I differentiate? By naming the goods, can I remember the name of the goods? अच्छा ये वाला आइटम याद रख, 10 नाम याद रख लेता हूँ, गोनों में कहलाएंगे ऐसा, नेवर एवर। तो ऑलवेज रिमेंबर, यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू डिफाइन द मीनिंग ऑफ नॉर्मल एंड गिफन गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इफेक्ट्स। द फर्स्ट इफेक्ट इज प्राइस इफेक्ट एंड सेकंड इफेक्ट इनकम इफेक्ट, वो नेक्स्ट पढ़ाने वाला हूँ। तो फर्स्ट लिखो बेटा, नॉर्मल कौन सा होता है, लिखो लिखो, दोज गुड्स विच आर हैविंग नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव मीन्स इनवर्स प्राइस इफेक्ट। और अभी अभी तो बताया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्स प्राइस इफेक्ट बेटा, टेल मी बोलो बेटा। प्राइस के इंक्रीज होने पर जिन गुड्स की डिमांड बोले कि मैं तेरा साथ नहीं चलूंगी, मैं उल्टा भागने वाली हूं, तू बढ़ के दिखा, है ना, तू बढ़, मैं जा रही हूं, समझ रहे क्या बोल रहा हूं। तो प्राइस बढ़ने पर डिमांड जिन गुड्स की गिर जाए, गिरती हो, देखो डिमांड गिरने का मतलब, एक बार और सीखना,
बच्चे जो गलती करते हैं बता रहा हूं, वो डिमांड गिरने को जीरो समझते हैं कि डिमांड खत्म हो गई। डिमांड खत्म हो जाना और डिमांड का गिर जाने में फर्क होता है। अनियन के प्राइस मार्केट में 30-40 रुपीज केजी से बढ़ के 150 तक हो जाते थे, होते भी हैं हर साल में, कभी तो बारिश नहीं होती प्रॉपर हो जाता अपने पास में। तो उस टाइम क्या होता है, लोग क्या खरीदना बंद कर देते हैं, कम खरीदते हैं। दैट मीन्स यू आर डिमांडिंग लेस, खरीद रहे हो कम लोगे। एग्जाम्पल तुम्हारी बात करता हूं, यू वॉन्ट टू बाय योर नोटबुक्स, आपको क्लासमेट के रजिस्टर होता है स्कूल में, बच्चों को बड़ा शौक होता है, हमें बड़ा शौक होता रहा कि आज नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, आई इन 11th, आई इन 12th, चलो भैया दिला के लाओ, अब तो चलते हैं शॉप पे। अच्छा भैया वो वाला निकाल दो, अच्छा ये वाला किसका, क्लासमेट वाला, ये मोटे वाला कितने का है, रजिस्टर, और फिर पूरा पैकेट बनता रजिस्टर का ना। अच्छा काम करो 12 ये वाले दे दो, 14 ये वाले, घर वाले कहते अरे बस कर भाई तू भरेगा तो देख लेंगे बाद में जाना, नहीं नहीं मजा आता रहा, पेन का पैकेट निकाल दो बड़े वाला, पेन का पैकेट भर लेते हैं अंदर में, लाइक ओहो चलते हैं। तो भाई माय नॉर्मल क्वेश्चन इज, अगर प्राइस ज्यादा होगा उन चीजों का तो क्या तुम उन्हें उठने परचेज करते, नहीं, नॉट अबाउट द आइटम्स। हो सकता किसी बच्चे को बोला अरे हमने पर प्राइस का फर्क ही नहीं पड़ता, तो उस बच्चे के लिए वो आइटम क्या कहलाएगा, गिफ्ट वन आइटम। और तो बच्चा बोले नहीं सर मिला फैमिली से बिलोंग करता हूं लेकिन मेरे पास में पैसा कम है, सर चार ही दे दो कोई दिक्कत नहीं बाकी बाद में ले जाऊंगा, तो उसके लिए आइटम कौन सा हुआ, नॉर्मल आइटम। समझो ध्यान से, नॉर्मल गुड किसके लिए, वही सेम आइटम, क्योंकि आइटम याद नहीं रखा हम लोगों ने, वही सेम प्रोडक्ट किसी बच्चे के लिए क्या हुआ, गिफ्ट वन हो सकता है भाई साहब, और वही सेम प्रोडक्ट उसी बच्चे के लिए क्या हो गया, वो नॉर्मल गुड्स हो गया। और वही सेम प्रोडक्ट किसी बच्चे के लिए क्या हो गया जो पढ़ाई भी नहीं कर रहा, स्कूल नहीं जा पा रहा, who wants to study but नहीं पढ़ पा रहा, उसके लिए क्या हो गया, वो उसके लिए गिफ्ट वन नहीं, उसके लग्जरी आइटम हो गया ना उसके लिए, तो तुम्हारे लिए वो बोलोगे ना गिफ्ट वन, रिमेंबर वो लोग यूज कर रहे हैं उनका ऑप्शन नहीं है, उसके लिए बोला अरे वाओ इट इज नॉट नॉर्मल फॉर हिम, वो खरीद ही नहीं पा रहा उस आइटम को, उसकी पहुंच से बाहर हो चुका है। समझ रहे क्या बोल रहा हूं, आओ बात करता हूं। तो पॉइंट समझते हैं नॉर्मल पॉइंट पे, जिन गुड्स के प्राइस बढ़ने पर उनकी डिमांड गिर जाए उल्टा क्या बनेगा, और या उनके प्राइस गिरने पर उनकी डिमांड बढ़ जाए, वो ऐसे आइटम क्या बोलते हैं बेटा, नॉर्मल गुड्स बोलते हैं। और चेक करो अपने आसपास, अभी के अभी देखो, जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं अभी के अभी देखो बेटा, बैठ के चेक करो तुम्हारे आसपास में जितने आइटम रखे हैं वो आइटम कौन कौन से हैं क्या, और चेक करो उन आइटम में से किन किन के प्राइस बढ़ने पर, अपने आप में चेक कर लो। समझ रहे हो, मैंने बैग यूज कर रहा हूं, आई एम यूजिंग ए पेन, आई एम यूजिंग ए वॉच, आई एम यूजिंग दिस काइंड ऑफ शूज, तो जिस दिन मेरे में पैसा बढ़ेगा तो क्या मैं इन आइटम को एक्स्ट्रा परचेज करने वाला हूं, हाँ या ना, आंसर चेक करना। अगर आंसर मिलना यस कि प्राइस बढ़ने पर कम परचेज करूंगा और प्राइस गिरने पर प्राइस ज्यादा परचेज करूंगा, नेगेटिव जाऊंगा, इनका रेट गिर जाएगा तो एक्स्ट्रा लेके आऊंगा, तो द आइटम विल बी योर, विल बी द नॉर्मल गुड्स फॉर यू। वो हर आइटम तुम्हारे लिए क्या है, नॉर्मल गुड्स। और घर में द बेस्ट एग्जाम्पल इज हमारे घर का राशन, हमारे घर का राशन, खासकर मिडिल फैमिलीज की बात कर रहा हूं, whether they belongs to lower middle families or upper middle families, ये दोनों पे अप्लाई होता है भाई साहब। घर का राशन वो आइटम है जहां पर प्राइस बढ़ने पर आपकी क्वांटिटी क्या करते हो, कम परचेज करते हो, है ना, अरे महंगा हो गया थोड़ा कम ले ले यार, रिमेंबर सस्ता हो गया एक्स्ट्रा उठा ले, ठीक होता ना, इसके ऊपर मैगी के, मैगी के बड़े पैकेट्स पे इतने रुपए का ऑफ ला रहे यार, एक किधर एक फ्री लेके चल, होता है नहीं होता, नहीं करते बोलो नहीं करते हम, करते हो, एक टी शर्ट 30 पे लिखा 200 रुपए, प्राइस ऑफ वन टी शर्ट एग्जाम्पल 500 रुपए, एक टी प्राइस है 500 रुपए, ए पैक ऑफ थ्री विल बी 1000 रुपीज, 1500 बनते 500 का, अरे आ जा तीन की तीन ले ले, यू नीड वन व्हाट यू बाय अबाउट थ्री। और ये पार्ट पर कहां सिखाने वाला हूं, आई विल यूज दिस एग्जाम्पल इन योर मार्केट स्ट्रक्चर टॉपिक, मैं पढ़ाऊंगा आगे, चलो तो मीनिंग क्लियर हो गया, नॉर्मल गुड्स कौन सी, जिनके बीच में नेगेटिव प्राइस इफेक्ट होता है, क्लियर हो गया। अच्छा सर हमें ये चेक करना है क्या हम लोग भी गिफ्ट आइटम यूज करते हैं, यस कुछ आइटम हमारे घर में भी गिफ्ट वन आइटम होते हैं, ओके हम उन आइटम में, आप मुझे बताओ तुम्हारी डस्टबिन की पॉलिथीन क्या करते हो, ब्रांड की लेके आते हो, ए भैया एक ब्रांडेड डस्टबिन में पॉलिथीन देना, ऐसा नहीं ना, नहीं करते ना, थिंक अबाउट क्यों नहीं कर रहे भाई सर कूड़े, अरे सबसे लोवेस्ट आइटम देख रहे हो, अरे इतने का आता है भैया क्या लगा रहे हो, इतने का थोड़ी होता है, लोग करते हैं ना, मैं नहीं कह रहा सबके लिए डस्टबिन उतना रेट का मिलता है, हैवी वाली भी आती है हल्की वाली भी आती है, तो लोवेस्ट आइटम याद रखना, किसी भी गुड्स का सबसे लोवेस्ट आइटम, सबसे चीप पार्ट, तीन आइटम बोल रहा हूं मैं खाली, सब में नहीं बोल रहा हूं, बोलोगे अच्छा सर मोबाइल फोन की बात कर रहे हो आप, किसी ने एप्पल वाला यूज किया, किसी ने लोकल एंड्रॉइड यूज किया, तो गिफ्ट वन कहलाएगा,
नाउ तीन आइटम चेक करते हैं, ये ध्यान रखना कंफ्यूजन के लिए। ओके, मैक्सिमम बच्चों को माइंड में क्या रख लिया कि जितने भी आइटम आसपास हैं उन सब का चीप पार्ट रिफंड कहलाता है। आंसर इज नो, ओनली द आइटम विच बिलोंग्स टू द सर्वाइवल पार्ट, दैट इज फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। इन तीन आइटम में सर्वाइवल पार्ट्स के अंदर चेक करते हो गिफन आइटम्स को। इनके अंदर जो गुड्स किस लिए हैं, फॉर दी गुड्स फॉर दी सर्वाइवल पर्पस, सर्वाइवल पर्पस। आई कैन यूज दी वर्ड सब्सिस्टेंस, क्या बोल सकते हैं इसको हम, वर्ड क्या लिख रहा हूं, सब्सिस्टेंस, सब्सिस्टेंस। ये वर्ड आप पढ़ते हो अपनी इकोनॉमी के अंदर, क्या पढ़ते हो, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जीवन निर्वाह करने के लिए फार्मिंग, खेती करना, सर्वाइवल पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर द पर्पस ऑफ सर्वाइवल यू आर यूजिंग दिस कमोडिटीज, दीज कमोडिटीज विल बी फॉर यू गिवन आइटम, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू द वर्ड सर्वाइवल यू आर नॉट गोइंग टू चूज इट इज ब्रांडेड और नॉट, समझ रहे हो, इट इज ब्रांडेड और नॉट, ये इस ब्रांड का है नहीं है। डोंट से दिस कि हम किसी मॉल में गए और जाके बोला हमने ये ब्रांड, हमने कैल्विन क्लीन नहीं लिया, हमने अरमानी नहीं लिया सर, तो हम कौन सा आइटम यूज कर रहे हैं, हम गिफ्ट वन यूज कर रहे हैं, इज इट सर, नहीं सर हमने ना पीटरिंग लाइन से काम चला लिया है ना, ओ माय गॉड, हमें ना बीएमडब्ल्यू का जो टॉप मॉडल वो नहीं मिला तो हम लोअर मॉडल लेके आ गए, हमने गिफ्ट वन ले लिया, इज इट सर, नो दिस गुड्स विल नॉट बिकम्स दी। अब बताओ वॉच तो बहुत सारी आती है स्मार्ट वॉचेस, ओ एप्पल वाला जो है ना वही अच्छा होता है, एप्पल के नीचे वाले लिया तो गिफ्ट वन आइटम हमारे लिए, इज इट सर, नो योर आंसर विल बिकम ऑलवेज नो। द रीजन इज दैट थ्री काइंड्स ऑफ गुड्स, फूड, क्लॉथ, शेल्टर, एंड दीज गुड्स जिन्हें हम बोलते हैं सर्वाइवल या फॉर दिस सफिशिएंस फार्मिंग, दिस गुड्स आर ऑल्सो नोन एज कोर्स गुड्स, क्या बोलते हैं बेटा इसको, कोर्स गुड्स। व्हाट इज कोर्स, कोर्स इज ऑलवेज मीन्स सर्वाइवल, जीवन यापन करने के लिए आप जिन गुड्स को यूज कर रहे हो दो गुड्स इंफीरियर गुड्स, लेकिन आप उसको ये मीनिंग लिख के नहीं आओगे, हमने क्या बोला ऐसे नहीं लिखने का, ये समझा दिया, लेकिन मैंने लिखना कैसे, हमेशा इफेक्टिव बेस पे, हमने ऊपर क्या लिखा ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस इफेक्ट, बताओ सर, तो आंसर क्या है, लिखो दोज गुड्स विच आर हैविंग पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट। क्या बात कर रहे हो, सच्ची मुच्ची बेटा मुच्ची, दोज गुड्स विच आर हैविंग पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट, पॉजिटिव बोले दो, पॉजिटिव बोले दो, या अपुन बोले दो बी पॉजिटिव, वैसे इज इट सो, जो गुड्स बी पॉजिटिव होती है उनका ब्लड ग्रुप चेक कर लो, ऐसा है नहीं ना, क्या गुड्स का ब्लड ग्रुप होता है, ओ सॉरी बी पॉजिटिव वाली ब्लड ग्रुप वाली है, ये ए वाली है, नो नो, तो वाइट मीनिंग पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है, बेसिक सिंपल फंडा मेरे लाल, क्या बोला, पॉजिटिव बोले तो जिन गुड्स के प्राइस बढ़ने पर, हम ऊपर क्या पढ़ रहे हैं, प्राइस इफेक्ट, तो प्राइस इफेक्ट चेक करने के लिए हमेशा करना ऑलवेज, जिस भी आइटम का इफेक्ट दिया हो, ऑलवेज इफ यू वॉन्ट टू चेक दैट, उस आइटम में इंक्रीज डिक्रीज करके देख लो एंड यू विल गेट योर आंसर। लाइक एग्जांपल बताना मुझे, इनके प्राइस बढ़ने पर जिन गुड्स की डिमांड, तो ब्लू से लिखते हैं, जिन गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज हो जाए, क्या बात कर रहे हो, प्राइस बढ़ने में कोई खरीदता है ना ऐसे आइटम को, सोचना, पूछूं, रिप्लाई करोगे, छोटी सी बात का रिप्लाई, छोटी सी बात का। अभी कुछ देर पहले मैंने एग्जांपल दिया कि जो आइटम, एग्जांपल करंट सीनरी दूं, अभी अभी रिसेंट में COVID-19 निकला है, कोरोना निकला है, कोविड गया है ना, तो कोविड के टाइम में सोचो मिडिल फैमिलीज, मीडियोकर फैमिलीज, रिमेंबर, या उनसे भी नीचे वाले लोग, आप लोगों ने क्या किया, आइटम के प्राइस, क्योंकि मार्केट में सप्लाई नहीं थी, सामान नहीं मिल रहा था और लगातार प्राइस बढ़ रहा था, तो जो पर्सन नॉर्मली आइटम, आज लोगों ने ना क्या, आप लोग शोरूम में गए थे ब्रांडेड शोरूम्स के अंदर, ए कोविड आ गया नाइकी के शूज ले आते हैं, ऐसा कोविड आ गया बड़े बड़े टीवी लेके आते हैं, इज इट सो, हाँ होम थिएटर लाएंगे, कोविड आ गया मजा आएगा, इज इट सो, नहीं ना, आपने किस पे फोकस किया, योर मेन फोकस वॉज ऑन, किसके फोकस था, योर मेन फोकस वॉज ऑन द सर्वाइवल गुड्स, यू बॉट द आइटम्स विच आर फॉर द सर्वाइवल पर्पज, मेनली कौन सा, फूड्स, आपने खाने पे फोकस किया, राशन बढ़ा दो घर में, है ना, जो आइटम 2 kg चाहिए था 10 kg लेके आ जाओ, पता नहीं बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा, और इम्पैक्ट क्या हो, सोचो देखो ध्यान से, देखो सोचो ध्यान से, बड़ी काम की बात बोल रहा हूँ मैं, आज यहाँ से कंसेप्ट निकलेगा जो कि उल्टा कंसेप्ट है, बट उसको लिखना नहीं है अभी आपने, ये काम आएगा 12th के अंदर जो बोलने वाला हूँ। इम्पैक्ट क्या हुआ,
जब आप लोग मार्केट में एकदम से हुआ क्या था कि मार्केट सुबह से सिर्फ इतने दिन के लिए खुलेगी, याद आया? राशन राशन वाली शॉप्स हैं वो इतने 2 घंटे के लिए खुलेगी, 4 घंटे के लिए खुलेगी, तो लोग क्या करते थे, भागते थे स्पीड के अंदर, भाई हमें इतना दे दे, हमें इतना दे दे। तो इंस्टेंट क्या हुआ, जब आपने एकदम से डिमांड की आइटम दे रहे भाई, तो प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ा, प्राइस बढ़ गया था, याद करो, प्राइस और बढ़ गया। और प्राइस के बढ़ने के बावजूद क्या तुमने कम परचेज किया, हमने और परचेज, बट दिस इज नॉट द आंसर ऑफ गिफन गुड्स, इसका आइटम नहीं है। विल टेक एन एग्जांपल, दूसरा पार्ट देता हूं, इसका मतलब एक चीज ने क्या बोली, डिमांड का इंपैक्ट भी प्राइस पर पड़ता है। आपने अपने स्कूल में पूछा होगा, बहुत से बच्चे पूछते हैं टीचर से, सर डिमांड से भी तो प्राइस, टीचर बोलता है नहीं बेटा प्राइस इफेक्ट ही होता है। बच्चा क्या बोलता है, मैम डिमांड का इफेक्ट प्राइस पे पड़ता है क्या, नहीं बेटा, ओनली टू इफेक्ट, प्राइस एंड इनकम, है ना, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, बोलती है ना, बट पॉइंट इज होता है, दैट काइंड ऑफ इफेक्ट इज कॉल्ड स्पिल ओवर इफेक्ट, उसे क्या बोलते हैं, स्पिल ओवर इफेक्ट। डिमांड का इफेक्ट दूसरी प्रकार की डिमांड को इफेक्ट कर रहा होता है। आज अगर तुम एक आइटम परचेज करते हो तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन पार्ट, बाकी आइटम्स भी अफेक्ट होते हैं उसके ऊपर। अब मुझे बता दो, वापस पॉइंट पे आता हूं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं प्राइस इफेक्ट की। तो गिफ्टन गुड्स कौन से आपके लिए, चेक करना खासकर 3 आइटम बोले मैंने, फूड क्लोथ शेल्टर। तो जिन आइटम के प्राइस इंक्रीज होने पर उन आइटम की डिमांड बढ़ रही हो, चेक करो, जिस जो पर्सन अब इन गुड्स को यूज क्यों कर रहा होगा, जो पर्सन अपने सर्वाइवल के लिए जी रहा है बेटा, द पर्सन हु इज ओनली बाइंग फॉर हिज सर्वाइवल पर्पस, वो आइटम खरीद रहा है इसलिए उसे सर्वाइवल करना है, जीवन यापन करना है। और थिंक अबाउट वंस, जब उसे पता चला कि जो आइटम मैं खरीद रहा हूं उनके प्राइस बढ़ रहे हैं, वो पैनिक नहीं होगा, पैनिक होता नहीं होता, हुआ ना कि ये आइटम और ना महंगा हो जाए, तो क्या करता है वो, उनके प्राइस बढ़ने के बावजूद भी उनको ज्यादा क्वांटिटी में परचेज करता है, हाँ ना, उसी को बोलते हैं ये प्राइस बढ़ने पर इनकी डिमांड भी बढ़ जाती है, क्योंकि उसके पास इसके नीचे ऑप्शन कोई है ही नहीं। ऑप्शन है क्या, द लोवेस्ट क्वालिटी आइटम गुड्स, ऑप्शन 9 नहीं है। दूसरा ट्राई करो, प्राइस गिरने पर जिनकी डिमांड भी गिर जाए। सर ऐसा कैसे हुआ, सोचो ना, आज ये लोग जिस आइटम को खरीद रहे हैं, आज एग्जांपल मैं बोलता हूं, एक पर्सन है जो बोलता है मैं 20 रुपए में एक थाली खाना पसंद करता हूं, ये 20 रुपीज आई विल पे फॉर दिस आइटम, द लोवेस्ट आइटम विल बी ऑन 20 रुपीज, दैट मींस माय परचेसिंग पावर विल बिकम कितना रुपीज है, 20 रुपीज। आज किसी आइटम को परचेज करने जा रहे हो तो दैट मींस आप लोवेस्ट खरीद रहे हो, कितने का मिल रहा है, 20 का मिल रहा है। तो मुझे बताओ, कल को जब उसी आइटम के प्राइस, सारे प्राइस गिर गए, एग्जांपल दूं, लेट्स हैव एन एग्जांपल इन इट, एग्जांपल मार्केट में राइस मिलता है, मिलता है सर, भैया कितने का दिया, बोला भैया 100 रुपए किलो भी है, उससे ऊपर वाला भी है, मैं 100 ले रहा हूं, नॉर्मल ले रहा हूं, ठीक है, 100 रुपीज के जी नॉर्मल गुड्स सर, उसके बाद भी 50 रुपीज के जी। और मार्केट में तो मेरे को तो आइडिया भी नहीं था, एक दिन बता रहा हूँ रीजन, मैं एक शॉप पे चला गया, बात थी दिल्ली की, उसने कम से कम 50 टाइप्स के राइस रखे हुए भाई साहब, 50 टाइप के राइस, ऐसे भैया कौन सा राइस, मैं भाई राइस कौन सा बढ़िया बता रहे मुझे, तो क्या चूज किया, प्राइस किसका हाईएस्ट है, तो ऐसे करते ना, मतलब याद करो प्राइस किसका, तो प्राइस किसका कंसेप्ट था, टॉप डिमांड, ठीक है, अभी कंसेप्ट था प्राइस अच्छा तो क्वालिटी भी अच्छी होती, लोग मानते हैं ना, वो बाद में पढ़ाऊंगा, आगे बढ़ो। एक था कौन सा, 20 रुपीज के जी वाला, या 25 रुपीज के जी वाला, इन तीनों आइटम में आप मुझे बताओ कि कौन सा गिफन आइटम है, 25 चीप आइटम कौन सा है, 25 वाला। अब हुआ क्या, एक पर्सन इसी आइटम को परचेज कर रहा है, ये कौन है, कंज्यूमर, एक कंज्यूमर इसी आइटम को परचेज करता हुआ आ रहा है मेरे भाई, अब क्या हुआ, सबसे लोवेस्ट आइटम यही था, एक दिन क्या हुआ, इनके प्राइस गिर गए, राइस के प्राइस गिरे, तो राइस का प्राइस ही नहीं कि भैया नीचे वाले का राइस गिरेगा, राइस का मतलब सबका प्राइस गिरेगा भाई, 100 वाला हो गया मान लो मैं कहता हूँ 60 रुपीज के जी, 50 वाला हो गया मान लो मैं कहता हूँ 26 रुपीज के जी, और 25 वाला हो गया मान लो मैं कहता हूँ 7 रुपीज के जी, एग्जाम्पल रैंडम ले रहा हूँ, तो होता थोड़ी ऐसा ना। अब बताओ 26, 7, 60, 60, नाउ प्लीज टेल मी, क्या ये पर्सन कंज्यूमर अब भी वही आइटम लेगा 7 रुपए किलो वाला, बताओ बताओ बताओ, नहीं लेगा, क्योंकि आपने बोला ऐसा कौन सा लेगा, उसकी
पावर कितनी थी 25-26 खरीद सकता है ना नॉर्मल बेस था। तो कहने का मतलब गिफन ये कौन सी आइटम थी बेटा, ये थी गिफन या इंफीरियर गुड्स, आया ना। तो गिफन या इंफीरियर गुड के प्राइस जब 25 से 7 हो गए, प्राइस गिरे, तो मुझे ये बताओ कि किसकी डिमांड, मुझे नहीं पूछ रहा डिमांड किसकी बढ़ी, मुझे बताओ डिमांड गिफन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, उसने खरीदना बंद कर दिया बिकॉज दे आर बाइंग इट बिकॉज, ये नहीं कि लोवेस्ट ही खरीदना जिंदगी भर हमेशा, वो भी इंप्रूव करना चाह रहे हैं ना, सिंपल सी बात। तो कहने का मतलब व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन डिमांड ऑफ गिफन आइटम, द डिमांड विल ऑल्सो डिक्रीजेस, है ना, वो लोग उसे खरीदना बंद कर देंगे एंड दैट इज द रीजन कि इनके प्राइस गिरने पर भी डिमांड भी गिर जाती है। समझ में आया है ना बेटा, बताओ क्लियर है, कंटेंट क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये था बेटा लॉ ऑफ डिमांड, और लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड का मीनिंग याद मत रखना, क्योंकि आपको यहां पे टाइप ऑफ गुड्स भी समझ के चलना है, और एग्जामिनर कैन आस्क ए क्वेश्चन इन योर क्लास ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएट, क्या पूछता है वो, डिफरेंशिएट बिटवीन नॉर्मल गुड्स एंड गिफन गुड्स, यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन। तो गिफन और इंफीरियर को डिफाइन करने का तरीका सेम ही है, यू हैव टू डिफाइन द रिलेशनशिप दैट इज प्राइस इफेक्ट, क्लियर है, समझा कि नहीं, ओके नहीं मतलब क्या आ गया है, नोट करना बेटा, नोट कर लो, हाँ जी। तो देखो ध्यान से चले आगे बढ़े, आ जाओ हेडिंग बनाओ बेटा इसके ऊपर, अब देखो चेक करना टॉपिक जैसे स्टार्ट करूंगा तुम्हारा एक आंसर तो हो गया है कि नहीं, क्या बात कर, हम लिखो टॉपिक का हेडिंग बनाओ बेटा, लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, इन्हीं को फैक्टर कहते हैं, इसी को बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स, क्या बोलते हैं, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, डिमांड किसकी होती है, हवा की, ओ हवा की डिमांड कितनी, डिमांड बोले तो किसकी, ऑफ ए कमोडिटी, कमोडिटी बोले तो कैसी, क्या है बताओ, दैट कैन बी ए गुड, दैट कैन बी ए सर्विस, सर्विस पॉइंट आया, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड अफेक्ट करते हैं। तो मैं बोलूं डिमांड ऑफ ए कमोडिटी, क्या ये वर्ड ही कहलाता है डिमांड ऑफ ऑन कमोडिटी, यस और नो, होता है डिमांड ऑफ, कंफ्यूजन नहीं है भैया, क्लियर क्लैरिटी रखना, जब अगर कमोडिटी के साथ कुछ नहीं लिखा होगा दैट ऑलवेज मींस ऑन कमोडिटी, डिमांड भी कुछ थी और फैक्टर पूछा कौन कौन से, चले तो देखो ध्यान से, तुमने जो अभी ऊपर पढ़ा बेटा इसी के बेसिस के ऊपर तुम्हारा फैक्टर भी देखिए कौन सा फैक्टर है, आओ चलो चलो लिख ले, सबसे पहला फैक्टर तुम बताओ क्या पूछते हो, वी वांट टू बाय समथिंग, व्हाट विल द फर्स्ट पार्ट, क्वालिटी कैसी है, ऐसा पूछते हो, प्राइस पूछते हो, यू ऑलवेज आस्क फॉर द प्राइस, कितने का लिया भाई साहब, कितने का, छोटा आइटम ले रहे हैं बड़ा आइटम ले रहे हैं, आई वांट टू बाय का बजट कितना है भाई आपका, प्राइस इज द फर्स्ट फैक्टर, प्राइस किसके पूछ रहे हो, पड़ोसी वाले आइटम के तो खरीद रहे हो उसका प्राइस पूछ रहे हो, याद करो डिमांड मतलब दैट यू आर विलिंग टू बाय एंड एबल टू बाय, यू आर आस्किंग द प्राइस फॉर दैट, कितने का लिया आइटम भैया, क्या ना, आओ फर्स्ट फैक्टर क्या बनता है, जो हमारे एल्फ्रेड मार्शल जी ने कहा था प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, तो बताओ क्या यहां पर ऑन नहीं भी लिखता तो भी काम चलता, नहीं चलता, चलता मेरे भाई चलता, पर अंडरस्टूड था या नहीं था कि आप प्राइस उसी की बात कर रहे हो, और ये बन गया आपके लिए वेरी वेरी, अभी अभी आप लोगों ने सीखा एक पार्ट, इसके कौन सा प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, कॉमन भी हमें तो नॉर्मल थोड़ी होती है, कौन सी पढ़ी है आप लोगों ने, दो पढ़ी है ना, फर्स्ट कौन सी, केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, तो इतनी जो लंबी कहानी पीछे मैंने छींची है, इतना टॉपिक समझाने डिटेल में लेके गया, क्यों लेके डिटेल में, बिकॉज ऑफ दिस टॉपिक, अगर आपको लगता है बेटा इसको लंबा इसलिए खींचा हम लोगों ने हमें मजा आ रहा था, नो यही पार्ट हमारे पास में इस फैक्टर का रीजन बनता है, और यही नॉर्मल गिफन वाला पार्ट आपको क्या समझा सिखाता हूँ, क्या कहने वाले इसी से आप सीखोगे, पता है कौन सा पार्ट, फर्स्ट पार्ट आप सीखने वाले इससे कौन सा, एक तो आपका क्लियर होगा टाइप ऑफ गुड्स, एक आपका क्लियर होगा बेटा आपका कौन सा ग्राफिकल पार्ट, ग्राफिकल पार्ट मतलब मूवमेंट इन डिमांड, मूवमेंट इन डिमांड का इसी पेपर है, तीसरा पर सीखने वाले जो आप पढ़ोगे ना ईडी वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन आएंगे तो ईडी में फर्स्ट आएगा प्राइस ईडी,
वो न्यूमेरिकल वाला भी वो प्राइस यही वाला प्राइस है। तो ये अकेला फैक्टर जिसकी बात आपने दो गुड्स में की यहाँ पर, वही की वही हमारे पास में वो अकेला फैक्टर बनने वाला क्या जानते हो, दैट विल बी द बेस ऑफ थ्री न्यू टॉपिक्स। बच्चे भाग रहे थे क्या, एक टॉपिक क्लियर हो गया छोटा एक पॉइंट पर, नहीं बेटा यही बेस है इसका। न्यूमेरिकल क्लियर, ग्राफिकल क्लियर, एग्जाम में क्वेश्चन पे आता है। चले आओ लिखते हैं आगे, तुम बताओगे मुझे या मैं बोलूं, बताओ बेटा नॉर्मल गुड्स के केस में क्या इंपैक्ट होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप, प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव। गिफ्ट में कौन सा प्राइस इफेक्ट इज, क्या बोलूंगा, प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव, और भी कैसे इनवर्स बोल सकता हूं, इनवर्स कौन सा होता है, प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव। अभी अभी सीख आए हो सर, हमें लिखना हो तो पैराग्राफ में लिख लो, कैन आई यूज दिस लाइन, इफ प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड्स इंक्रीज डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड डिक्रीजेस, समझना पड़ेगा बात के लिए। तो मैंने एरोज बनाए ऐसे करके लिखा, प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज होती है नॉर्मल गुड्स, प्राइस के डिक्रीज होने से डिमांड बढ़ जाती है नॉर्मल गुड्स की। कैन आई राइट इन पैराग्राफ फॉर्म, यस आई कैन राइट, द फर्स्ट लाइन इज प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, कैन राइट दिस लाइन, का मीनिंग क्या बना, लिखता हूं व्हेन द प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड्स इंक्रीजेस या द डिमांड ऑफ का गिवन का नहीं का नॉर्मल गुड्स क्या बोलूं इंक्रीजेस इतना ही। यू हैव वन मोर लाइन आल्सो ना, उल्टा लिखो इसका, इफ प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड डिक्रीजेस डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड इंक्रीजेस, दैट आई कैन से दैट इज होमवर्क फॉर यू, एंड आई कैन राइट द वर्ड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा है ना, दैट मीन इसका अपोजिट लाइन भी आप अपने पास में लिख सकते हो। फर्स्ट लाइन ये बनी, एक लाइन ये बनी, एक लाइन ये बनी, करीबन तो दो दो चार पांच लाइन हो गए पॉइंट के ना, ना लिखते हो चेक करो, लिखो ऐसा एग्जामिनर की हिम्मत ना नंबर काटने की, तो नंबर उसके समझे। अरे इसका बताना, कैन यू डिफाइन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये तो गिवन टू प्राइस व्हाट इज पॉजिटिव, राइट द वर्ड, क्या लिखूंगा, व्हेन प्राइस ऑफ इसका वन या इंटीरियर गुड्स इंक्रीजेस द डिमांड, इसकी डिमांड नॉर्मल की इसके बाद प्राइस की बात कर रहे हैं, आपने ऑन वर्ड यूज किया, ऑन मतलब का प्राइस उसी की, ऑन का मतलब क्या बोलूंगा, द डिमांड ऑफ वन गुड्स ऑल्सो इंक्रीजेस, जो यहां लिख रहे हो ना तुम्हें सिखाऊंगा डिग्रीज ऑफ प्राइस पीडी, मतलब एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार चार टॉपिक इस अकेले फैक्टर में टिके हुए हैं। और बच्चों बोलते हैं हमने नॉर्मल रखा, यही पार्ट है मेरे भाई, इसी पार्ट के ऊपर समझ रहे हो, हाँ फर्स्ट क्लियर हो फैक्टर, क्या फैक्टर रट्टा मारना पड़ेगा समझने के लिए, इसी पार्ट था समझ में आ गया। कभी भी लिखना हो तो उसी नॉर्मल मत लिख के ना दोनों, क्योंकि ऑन गुड्स कैन बी नॉर्मल, ऑन गुड कैन बी डिफरेंट हो। आगे बढ़े ठीक है, नेक्स्ट वाला पार्ट करेंगे हमें नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच, बाय, गाना गाओ जाओ, बाय बाय और टाटा सी।